चलिए दोस्तों शुरू करते आज की शैक्षिक समझा लेबर से तीन और कृषि परीक्षा दस फरवरी को जयपुर आर एस परीक्षा को लेकर विवाद एक बार स्थगित हो चुकी है अब फिर उठी मांग जयपुर केमिस्ट्री आसान रही लेकिन पेपर हल करने में सबसे अधिक समय लगा मैथ्स ने बढ़ाई मुश्किलें कोटा रेलवे की ग्रुप सी की परीक्षा का दूसरा चरण 21 से अजमेर भर्ती में आटे दो हजार ग्यारह बारह दो हजार पंद्रह वो हजार सत्रह के पास हुए जयपुर आयकर छूट सीमा पांच लाख रुपए हो सी की लिमिट भी ढाई लाख रुपए की जाए सीआईआई नई दिल्ली आज मिल सकती है सब कर्मचारियों को नियुक्ति अजमेर अधिकारी रखेंगे एक दूसरे के विवेक पर नजर बिलवाड़ा उन शिक्षा मंत्री भाटी बिना जमीन व शिक्षक शुरू किए कॉलेज जांच कराएंगे जयपुर अब चलेगी परीक्षाएं चार माह पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे विद्यार्थी अजमेर कॉलेज विद्यार्थियों मिले गणतंत्र दिवस पर पुस्तकें अजमेर कॉलेज सुबह दस बजे से तो स्कूल का समय जल्दी क्यों जयपुर अब ब्लॉक स्तर पर भी जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा की बढ़ेगी गुणवत्ता अजमेर एक फरवरी 2020 का अंतरिम बजट बजट 70 31 जनवरी से नई दिल्ली परमान पेंशन ने 20 तक लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कराए तो बंद हो सकती है पेंशन उदयपुर यूपीएससी एनडीओ और एनए का नोटिफिकेशन जारी आवेदन चार फरवरी तक उदयपुर निजी स्कूलों का अवकाश घोषित करने में कलेक्टर नई निवाई परिपट्टी तापमान के साथ स्कूल बंद होने की गाइडलाइन तय करे सरकार जयपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती दो हजार अठारह क्यों न मैदान में किचड़ से प्रभावित अभ्यर्थियों की दौड़ दोबारा करवाई जाए जयपुर शारीरिक शिक्षक भर्ती परिणाम जारी करने की मांग बीकानेर हेल्पर भर्ती में पास कराने के नाम पर वसूली गिरोह पकड़ा अलवार सरकार ने मांगा बीएसटी से कराने वाली संस्थाओं से हिसाब अजमेर कर्जमाफी कमेटी की बैठक स्थगित जयपुर सरकार ने सभी विभागों से मांगी सौ दिन की कार्य योजना रिपोर्ट जयपुर पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षा के लिए सिटी और डेट डिटेल जारी अजमेर अब साढ़े दस बजे से बच्चों की पाठशाला बिकानेर इंजीनियर से छात्रों को जोड़ने के लिए सीबीएसई देगा छत्रपति उदयपुर इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन पोर्टल से जुड़ेगा विश्वविद्यालय शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान के लिए करे पवन बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये थे आज के शैक्षिक समाचार यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि इसी प्रकार की आपको डेली शैक्षिक समाचार मिलते रहे